hello everyone welcome back to our youtube channel study mantra am your host dr mansi mishra today we are back again with a new part and a new video here we are going to discuss another part of the digestive system but before proceeding i want to give you some information if you are an mns aspirant and you are so willing to clear your mns 21 examination

तो जो ऑलरेडी रनिंग है उन्हें उनमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नंबर सेम आपकी डिस्प्ले स्क्रीनस पर इसके अलावा जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे वो उन्हें हम क्या साथ में देने वाले हैं एज अ गिफ्ट तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोलमेंट लेंगे दे विल बी अलाउड टू अटेंड द क्लासेस ऑफ अवर ऑनलाइन एज वेल यानी आपको इनरॉलमेंट किस में कराना है ऑफलाइन बैच के लिए और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस अटेंड कर पाएंगे ओके okay. इसके साथ साथ इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आर चैनल हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो वीडियो समझ में आता है पसंद आता है वीडियो को लाइक like करें शेयर करें और कॉमेंट करके हमें जरूर बताया बिकॉज ईच एंड एवरी कॉमेंट इज इक्वली वैल्यूएबल फॉर अस चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे आज भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के हम दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है चैनल पे जाकर जरूर देखिए बिकॉज दिस पोर्शन द चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन्स थ्री टू फोर मार्क्स इन योर एम एग्जामिनेशन तीन चार ईयर के पेपर्स मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किए हैं तो ऐसा कोई भी साल मुझे नहीं मिला इवन 2020 में भी जिसमें किसी ना किसी आपके जो शिफ्ट रही हो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस एक क्वेश्चन ना आया हो तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो और अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज़ चैनल पर जाके उसको भी देखिए चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे और हम अपनी बक्कल कैविटी पर आए थे ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहाँ पर पहुंचे थे अपनी बाकल कैविटी पे बाकल कैविटी पे हम बात कर रहे थे सलाइवा की ठीक है सलाइवा की बात कर रहे थे आठ लेट मी टेल यू दैट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अ रिफ्लेक्स एक्शन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है यानी क्रिया प्रतिक्रिया यानी किसी स्टिमुलस के कारण आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं दे ऑल आर रिफ्लेक्स एक्शंस अब व्हाट विल बी द स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा टेस्टी फूड और साइट मींस इफ यू हैव सीन सम टेस्टी फूड एंड इफ यू आर विलिंग टू ईट समथिंग देन दैट विल बी द स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इन योर माउथ सो द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज बेसिकली अ रिफ्लेक्स एक्शन विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ अवर नर्वस सिस्टम rakega this is the only juice of our digestive system which is only under the control of our nervous system. and every other juices of every other juice of uh, digestive system is under control of both nervous system as well as endocrine system. यानी सिर्फ और सिर्फ सलाइवा का सिक्रीशन ही हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है सिर्फ और सिर्फ नर्वस कंट्रोल में होता है बाकी जितने भी जूसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सिक्रीट होंगे सारे के सारे हमारे नर्वस सिस्टम को से भी कंट्रोल्ड होते हैं साथ ही साथ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से भी कंट्रोल्ड होते हैं नाउ इफ सलाइवा इज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय सम नर्व्स तो कौन सी नर्व्स हैं ऐसी जो सलाइवा के सिक्रीशन को कंट्रोल करती हैं दिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेवेंथ नाइंथ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नव ओके सेवेंथ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्वस एज वेल एज इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन अराइजिंग फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन ओके सो बेसिकली ऑफ सलाइवा इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाउ मेनी नर्व दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेवेंथ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ क्रेनियन नर्व एज वेल एज द नर्व अराइजिंग फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन। इसके बाद अभी हमारा फूड कहाँ था बकल कैविटी में बकल कैविटी में क्या आया हमारा सलाइवा सलाइवा में क्या होता है दैट हैज सलाइवरी अमाइलीज यानी सलाइवरी अमाइलेज होता है इसमें आप ध्यान रखिएगा किसी भी टर्म में अगर लास्ट में एज आए सफिक्स एज लगा हो दैट मीन्स दिस टर्म इज़ रिप्रेज़ेंटिंग एनी एनजाइम अगर किसी वर्ड में लास्ट में सफिक्स में एज लगा हो ई -E, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट दैट पर्टिकुलर टर्म और दैट पर्टिकुलर वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग एनी एनजाइम यहाँ पे क्या है अमाई लेज ठीक है लेज लगा हुआ है यानी ये भी एक तरह का एंजाइम है एंड इट इज़ अमाइलेज दैट मीन्स दिस इज द कैटेगरी ऑफ एंजाइम विच विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट ये एक कार्बोहाइड डाइजेस्टिव एनजाइम है प्रेजेंट कहाँ होता है हमारे सलाइवा में एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन ठीक है टाइलिन भी इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज भी इसको बोलते हैं एंड ये क्या करता है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इस्टार्ट कर देता है फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द फूड कॉम्पोनेंट विच फूड ऐसा कौन सा फूड कॉम्पोनेंट है विच इज द फूड कॉम्पोनेंट हुज डाइजेशन इज स्टार्टेड इन द बकल कैविटी एज वेल तो यू हैव टू टेक द कार्बोहाइड्रेट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ द ओनली फूड फूड कंटेंट और ओनली फूड पार्टिकल जिसका जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है हमारी बाकल कैविटी में अदरवाइज बेसिकली जो आपके प्रोटीन्स होते हैं दे आर डाइजेस्टिव इन दे आर डाइजेस्टेड इन आवर स्टामा एंड इसके अलावा जो भी आपके फैट्स होते हैं एंड फर्दर प्रोट जो आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है दैट इज़ अंडर दैट इज डाइजेस्टेड इन आवर डिओडनम एंड आवर इंडस्टाइन तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड कंटेंट है जिसका जो डाइजेशन है हमारा वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारी बकल कैविटी में ही अब माउथ हमारा बकल माउथ है हमारा बाकल कैविटी में अभी फूड है हमारा इसमें क्या हुआ सलाइवा आया सलाइवा मिक्स हुआ सलाइवा में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सलाइवा के बारे में दैट इज रिच इन कैल्शियम सॉरी पोटेशियम आयन क्या पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंट अमाउंट इन अवर सलाइवा तो जब कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं और सलाइवेशन उनका हो जाता है सलाइवा का सिक्रेशन होता रहता है उनकी बॉडी में जनरली किस अगर पूछा जाए किस एलिमेंट की कमी पाई जाएगी तो दे आर देयर विल बी डेफिशियंसी ऑफ पोटेशियम आयन पोटेशियम आयन की उनमें डेफिशिएंसी होगी और इस कंडीशन को क्या कहेंगे हाइपो कैलीमिया ठीक है हाइपो कैलीमिया इनको कहेंगे इन पोटेशियम आयन की इनमें कमी हो जाएगी ओके okay. फर्दर बात करते हैं फूड अभी हमारा कहाँ बक्कल कैविटी में सलाइवा का एक्शन हुआ डाइजेशन हुआ इसके बाद फूड को हमें क्या करना है सोलो सोलो करके हमें उसे कहाँ पहुँचाना है आपके ईसो से होते हुए स्टमक में ताकि स्टमक में हमारा फर्दर डाइजेशन हो सके तो जो प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग जो हमारी सोलोइंग प्रोसेस है वो किसके अंडर कंट्रोल में होती है द प्रोसेस ऑफ इज अंडर कंट्रोल ऑफ नाइन्थ क्रेनियन लव ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ इज अंडर कंट्रोल ऑफ विच क्रेनियन लव तो दैट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ नाइन्थ क्रेनियन लव हमारा जो सोलोइंग है वो नाइन्थ क्रेनियन लव कंट्रोल करती है साथ ही साथ ग्रेविटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है क्यों क्योंकि अंडर ग्रेविटी कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है तो दैट विल well. इसके साथ ही साथ म्यूकस का भी फर्क पड़ता है फूड हमारा ईसोफेगस से होते हुए अब कहाँ जाएगा हमारे स्टमक में पहुंचेगा एक टर्म आता है आप ध्यान रखिएगा बोलस डू यू मीन बाई बोलस बोलस क्या है फूड आफ्टर द एक्शन ऑफ सलाइवा इज नोन एज बोलस यानी ऐसे फूड कंटेंट ऐसा फूड पार्टिकल ऐसा फूड्स का सब्सटेंस जिस पर सलाइवा अपना एक्शन कर चुकी हो उसके बाद जब वो स्टमक में पहुंचता है सो से होते हुए तब हम उसको क्या कहते हैं दैट इज नोन एज बोलस ओके टेक अ वेरी क्विक स्क्रीन शॉट वी विल बी राइट बैक एंड नो नीड टू गो एनी वेयर बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एम एन एस ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन एंड वी विल डेफिनेटली कवर क्या पढ़ लिया सलाइवा का एक्शन हो गया फूड में नाउ सलाइवा इज नोन एज बोलस अब क्या होगा देखिए फिर से एक बार डाइग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं ये है आपकी बकल कैविटी बकल कैविटी से यहाँ पे आया आपका ईसोफेगस ध्यान रखिएगा कि नो एंजाइमेटिक एक्शन इज हेयर इन ईसो कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन आपके ईसोफैगस में नहीं होता है ईसो से लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है आपका किसका स्टमक का और स्टमक से यहाँ पे आपका ये कुछ ऐसा आपका बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं की है बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि क्या स्ट्रक्चर होता है अगर ये आप इसको बकल कैविटी मान लें तो दिस इज ईसोफैगस दिस इज स्टामक ठीक है आप देखिए ध्यान से ईसोफैगस आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ईसोफैगस इज द ओनली ईसोफैगस इज द स्ट्रक्चर वेयर नो एंजाइमेटिक एक्शन आकस बिफोर डाइजेशन ठीक है यहाँ पे कोई भी आपका एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा फिर बोलस था यहाँ पे बोलस नाइन्थ क्रेनियल लॉक के अंडर कंट्रोल में कंट्रोलेशन में क्या हुआ आपका सॉलोइंग हुई फूड कहाँ आया स्टमक में आप ईसोफेगस ईसोफेगस ओपन कहाँ होता है ध्यान रखिएगा स्टमक स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट स्टमक इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट कौन कौन से पार्ट हैं आपके कार्डियक फंडिक एंड पायलोरिक दे आर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्टमक और वो तीन पार्ट्स हैं कार्डियक फंडिक एंड पायलोरिक कार्डियक फंडिक पायलॉरिक हमने इसलिए बोला है एक कुछ रीजन है ताकि आपको ध्यान रहे आपने अभी ये डाइग्राम देखा और ये देखा कि ईसोफेगस से फूड कहाँ आ रहा है हमारे स्टमक में तो कार्डियक इसलिए मैंने पहले बोला ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जो आपका ईसोफैगस होता है दैट ओपन्स इन टू द कार्डियक पार्ट ऑफ अवर स्टमक कहाँ ओपन होता है हमारे स्टमक के कार्डियक पार्ट में ओपन होता है एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर जो यहाँ पे जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है आपका कार्डियक तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा ठीक है इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर एंड इट गाइ इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू आवर स्टमक यानी जो आपके फूड होगा उसको ब्लैक फ्लो उसके बैक फ्लो को रोकेगा बाकी सारी चीजें गार्ड करेगा कार्डियक कार्डियर इसको कहा जाता है ठीक है इसके अलावा अगर आप इसका दूसरा नाम जानना चाहें कि कार्डियक स्फेंटर को और दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो ऐसु फजाइल क्या नाम है गैस्ट्रो ऐसु इस फेंटर क्या काम है फूड के बेसिकली बैक फ्लो को रोकना इसके अलावा अभी हमने बताया कि स्टमक के तीन पार्ट्स होते हैं कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक में जो बेटा फंडिक पार्ट होता है ठीक है ये सबसे ऊपर यानी ये वाला पार्ट आपका फंडिक पार्ट मिडिल वाला पार्ट कार्डियक पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है आपका पाइलोरिक अगर हम स्टमक को तीन पोर्शंस में बांटें तो सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडिक बीच वाला पार्ट कार्डियक और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है पाइलोरिक। अब सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम हमने फंडिक ही क्यों रखा हमने फंडिक इसलिए नाम रखा है क्योंकि वहाँ पर होती हैं सम गैसेस। तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैसेस तो आपको नाम लेना है फंडिक पार्ट ऑफ अवर स्टमक कंटेंस गैसेस अब गैसेस आएंगे कहाँ से डाइजेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं तो इनके रिजल्ट के रूप में जो हमारी गैस बनती हैं दे आर देखो गैस होती हैं हल्की तो इनका काम क्या होता है ऊपर उठना बाकी सब्सटेंसेस के तो कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में तो गैसेस हल्की हैं ये क्या करती हैं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठेंगी तो सबसे ऊपर वाले पार्ट में जमा हो जाएंगी स्टोर हो जाएंगी और सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या है फंड एक पार्ट है तो फंडिक पार्ट में क्या होती हैं गैसेस पाई जाती हैं ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये आपका पोर्शन नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है इसके अलावा बात करें पाइलोरिक पार्ट की तो पाइलोरिक पार्ट जो आपके स्टमक का होता है दैट ओपन्स इनटू डिओडिनम ठीक है यानी स्टमक के बाद फूड कहाँ जाएगा डिओडिनम में एंड डिओडिनम इज़ द इनिशियल पार्ट डिओडिनम आपका पार्ट है किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का अब स्पिंक्टर्स तो हर ओपनिंग को गाइड कर गार्ड करने के लिए हैं अगर पाइलोरिक पार्ट आपका डिओडिनम में ओपन हो रहा है तो वहाँ भी कोई स्पिंक्टर होना चाहिए जो बैकफ्लो को गार्ड कर पाए तो कौन सा स्पिंक्टर होगा देयर विल बी पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है यानी पाइलोरिक पार्ट की जो ओपनिंग होती है द ओपनिंग ऑफ पायलॉरिक इंटू डिओडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्विंगटर ओके ये हो गए हमारे तीन पार्ट स्टमक के अब बेटा इन तीन पार्ट में क्या होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं फंडिक कार्डिक पाइलोरिक इन तीनों पार्ट्स में क्या होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज इनसे क्या होगा गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रियन होगा जिससे हमारे फूड का डाइजेशन होगा इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मसल लेयर ठीक है हमारा जो स्टमक होता है इसमें क्या होती हैं तीन मसल लेयर्स पाई जाती हैं सबसे बाहर लॉन्गीट्यूडिनल मसल लेयर ठीक है इसके अंदर होती है सर्कुलर मसल लेयर और इनर साइड होती है आपकी ऑब्लिक ठीक है ओब्लिक मसल लेयर इज ओनली प्रजेंट इन स्टामक ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्लिक मसल लेयर आपके एलिमेंट्री केनाल के किस पार्ट में पाई जाती है तो ओब्लिक मसल लेयर इज ओनली प्रजेंट इन स्टामक ध्यान रखिएगा ये तीन मसल लेयर होती हैं जो हमारे स्टामक में प्रेजेंट होती हैं दे आर लॉन्गिट्यूडनल मसल सर्कुलर एंड कुछ तिरछी होती हैं ये इस वजह से हम इन्हें ऑब्लिक मसल कहते हैं और इस लेयर को ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं ओके okay, अभी हमने बात की थी बेटा कि कार्डिक फंडिक पायलोरिक इनकी क्या होती हैं दे दीज थ्री पार्टस ऑफ एलिमेंट दीज थ्री पार्ट्स ऑफ अवर स्टमक्री हैिफरेंट डिफरेंट गैसेज सॉरी ग्लैंड तो अब इन ग्लैंड से क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट जूसेज या फिर से क्रीट होंगे आपके गैस्ट्रिक जूस से क्रीट होंगे जिनमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होंगे और हमारे फूड का डाइजेशन होगा ठीक है आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद द स्ट्रक्चर आ पार्ट्स ऑफ द स्टमक साथ ही साथ जो हमने इस फिंगटर का नाम लिया ये सब आपको क्लियर होंगे

हो चुके हैं तो इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन अवर ऑनलाइन सेशंस और ऑफलाइन बैचेस सो यू आर मोस्ट वेलकम ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर बींग विद अस थैंक यू एवरीबडी